हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देख सकते हैं आप लोग आयरन प्रेस ठीक करेंगे दोस्तों, जो कि आप इस्त्री बोल सकते हो, उस पर कपड़े पे करी जाती है दोस्तों जो। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है ये बता दूं आपको दोस्तों, इसमें बिल्कुल सप्लाई नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, प्लग को हमने लगा लिया सीरीज में और अगर इसके कट को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें कोई बल्ब ग्लो नहीं हो रहा हमारा सीरीज में, ना ही इसमें कोई मतलब वर्किंग आ रही है। ठीक है दोस्तों, उसका पेच हम पीछे से खोल लेते हैं सबसे पहले प्रेस का। ठीक है सिंपली, और उसके वोल्ट चेक कैसे करेंगे दोस्तों, आप चाहो तो अगर सीरीज में लगाओगे तो मतलब टच करके भी चेक कर सकते हो और बल्ब डोरी से भी चेक कर सकते हो, मीटर से भी चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे बल्ब और डोरी से चेक करेंगे, उसमें ज़्यादा आसानी रहेगी, अच्छा रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये हमने प्लग लगाया सीरीज में और ये हमारे दोस्तों पॉइंट जो है न्यूट्रल और फेस के। ठीक है दोस्तों, एक हमारा अर्थ वाला है जो कि हरा वाला वायर है, वो उसे हम नहीं छूएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने बल्ब के लिए दो वायर और हम इस पर टच करते हैं फेस न्यूट्रल पे, हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारी डोरी ख़राब है। सबसे पहले हमारे इस मेन पॉइंट में करंट नहीं आ रहा तो हमारी प्रेस वर्क नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, और अर्थिंग वाले वायर से हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको दिखा दूँ मैं, ये वाला न्यूट्रल है हमारा ब्लैक वाला। ठीक है दोस्तों, और बाकी हमारा फेस है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को खोल लेता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से खोल लेता हूँ, डोरी को निकाल लेता हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, थोड़ा नीचे करके निकाल लेता हूँ डोरी को, ये ख़राब है दोस्तों लीड। चाहे आप तो अलग से खुला हुआ वायर भी डाल सकते हैं लेकिन वो सेफ़ नहीं रहता दोस्तों, आप हमेशा प्रेस की लीड ही डालें। तो वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है मैंने ताकि फटाफट इसकी पेंच खोल के आपको दिखा सकूँ, टाइम वेस्ट ना हो। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है दोस्तों, 4 से 5 मिनट का वीडियो होता है, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाते ही नहीं हम दोस्तों। ठीक है, इसमें से हमने निकाला। ठीक है सिंपली, ये डोरी ख़राब है तो हटा देते हैं सेट से। ठीक है, नई लेते हैं हम प्रेस की लीड, देख सकते हैं आप लोग ये हमारी नई आ चुकी है और काफ़ी अच्छी है दोस्तों, कॉपर की लीड है ये। इससे पहले इसमें एल्युमिनियम की लगी थी तो हमने निकाल दी है, तो कॉपर की लीड है दोस्तों। सबसे पहले हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं, तो कनेक्शन करने से पहले इसे हम सफोल में से निकाल लेता हूँ यहाँ से मैं। ठीक है दोस्तों, इसमें से निकाल लिया हमने और अब इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे दोस्तों ब्लैक वाला वायर, देख सकते हैं, तो जब हमारे उल्टे हाथ पे ब्लैक वाला वायर लगाएंगे न्यूट्रल वाला। ठीक है दोस्तों, तो न्यूट्रल वाला लगा लेते हैं, कस लेते हैं वैसी की वैसी, और उसमें भी एक पत्ती है उसको भी ध्यान से कसना है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें कस लेते हैं हम सबसे पहले ब्लैक वाला, उसके बाद लगाएंगे हम रेड वाला। ठीक है, ऐसे टाइट करके कसना है दोस्तों, लूजिंग नहीं छोड़नी है, ये बात भी बता दूँगा आपको, लूजिंग नहीं छोड़नी है। तो हमारा रेड वाला वायर है, ऐसे ही भी हम लगा लेते हैं पेच लगा के। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बड़े करके टाइट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी लूजिंग नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी कस चुका है, न्यूट्रल फेस कस चुके हैं हमारे। अब जो तीसरा वाला वायर जो है दोस्तों, पीला वाला, ये अर्थ का वायर है, वैसे तो उसमें हरा आता है लेकिन इसमें पीला है, कोई दिक्कत नहीं है, येलो है इसमें, तो कस लेते हैं इसे भी। तो फेस न्यूट्रल अर्थ हो गए हमारे, सब वायर कस गए हमारे। अब इस डोरी को दबा लेते हैं इस पॉइंट से, जो हमारा पॉइंट दबा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसे भी निकाल लेते हैं इसके अंदर से और इस पॉइंट में दबा के इसके पेंच कस देते हैं जो हमने ये खोला था दोस्तों, ताकि हमारी ये डोरी दोस्तों खींचे ना, अगर डोरी खींच जाएगी तो हमारे कनेक्शन टूट जाएंगे, इससे हमारी प्रेस फिर से ख़राब हो सकती है। तो उसमें दोस्तों डोरी का ही फॉल्ट था क्योंकि हमने एलिमेंट वगैरह चेक कर लिए थे, देख सकते हैं आप लोग। इस कवर को भी लगा लेते हैं फटाफट और उसके बाद एक बार प्रेस चेक कर लेंगे किस किस तरीके से हमारी वर्क कर रही है। ठीक है दोस्तों, इस पेंच को भी लगा लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है दोस्तों, इस पेंच को लगा लिया हमने और अब चेक कर लेते हैं कि हमारी किस तरीके से वर्क कर रही है दोस्तों। काफ़ी अच्छे तरीके से हमने कस लिया है, सीरीज में लगाते हैं इसका प्लग, तो सीरीज में लगा लेते हैं इसका प्लग हम। ठीक है, ये लगा लिया हमने और हमारा बल्ब हो गया ग्लो, देख सकते हैं बल्ब ग्लो हो रहा है हमारा कट घुमाने पर। ठीक है दोस्तों, और अब इसे चेक कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बल्ब ग्लो हो चुका है काफ़ी अच्छे तरीके से, तो हमारी प्रेस काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर चुकी है दोस्तों। डायरेक्ट भी लगा के एक बार हम चेक कर लेते हैं गर्म हो रही नहीं हो रही, तो ये नीचे आते हैं तो हाँ ये गर्म हो रही है दोस्तों। ये दोस्तों दोस्तों वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।